हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल एप्राइड एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम अपने करंट अफेयर्स सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। 14 से 21 मार्च के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे और न्यूज़ को आपके लिए हमने ब्रीफ पे स्क्रीन पे रखा हुआ है। फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो हम एक्स्ट्रा आपको बताएंगे, तो वो आप नोट डाउन करना चाहिए तो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ के साथ और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पहली न्यूज़ हमारे पास है कि विवेक देबरॉय, जो इंडिया के एक जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी हैं रेलवे की सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए। जैसा कि उन्होंने कहा है कि जब राजधानी और शताब्दी ट्रेन की बात आती है, तो उन्हें प्राइवेट पार्टीज को देने के टाइम पर रेलवे को कंसेशन देना चाहिए और थोड़ी और इंप्रूवमेंट अपनी सर्विसेज में करनी चाहिए। और एक बात और यहां पर इन्होंने कही है कि जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है, उसको वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के अंदर कन्वर्ट हमें करना है। उसके लिए 6500 करोड़ रुपए का एक हमारे पास प्रोजेक्ट, एक आउटले रखा गया है। आपको स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि विवेक देबरॉय को लेकर एक कमेटी बनी थी कुछ टाइम पहले, विवेक देबरॉय कमेटी ऑन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इंडियन रेलवे। जी हाँ, तो अगर पेपर में, अगर आपसे पेपर में कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमारे पास रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इंडियन रेलवे को लेकर कौन सी कमेटी बनी थी, तो वो है विवेक देबरॉय कमेटी। एक क्वेश्चन मैं शताब्दी को लेकर स्टूडेंट बताना चाहूंगा। पेपर में कई बार क्वेश्चन आया है कि शताब्दी ट्रेन हमारे पास किस पर्सन की याद में चलाई गई थी। तो शताब्दी ट्रेन 1988 में हमारे पास पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में चलाई गई थी, उनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी पे, हमारे पास माधव राव सिंधिया जो उस समय के रेलवे मिनिस्टर थे, उनके द्वारा। ओके, एक छोटा सा पॉइंट और, भारत में राइट नाउ फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है? तो भारत में राइट नाउ फास्टेस्ट ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस। जी हाँ, वंदे भारत एक्सप्रेस। और अभी हम रेलवे में डेवलपमेंट के लिए ट्रिपल पी मॉडल का यूज करेंगे। व्हाट इज ट्रिपल पी मॉडल? दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक हमारे पास ICP बनाई गई है, यानी कि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ये कहां पर बनी है हमारे पास? अगर हम बात करें त्रिपुरा में, त्रिपुरा बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। जी हाँ, याद रखेंगे, बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा बॉर्डर शेयर करता है और यहां पर सबरूम में एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाई गई है। एक छोटा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट, लेकिन इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो वर्ल्ड का 5th लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है। जी हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वर्ल्ड का 5th लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बनता है, और इंडिया का लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर भी बांग्लादेश के साथ है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन सी दो कंट्रीज के बीच में बनता है। लैंड बॉर्डर की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। और भारत के 5 राज्य ऐसे हैं, नोट करने वाली बात है स्टूडेंट, कि भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास, सेंटर ने इन्वोक किया है एपिडेमिक एक्ट 1897। इन्वोक करने का मतलब उसका यूज किया जा रहा है, एपिडेमिक एक्ट 1897। तो स्टूडेंट, एक्ट ये बहुत पुराना है, ब्रिटिश टाइम का ये एक्ट है। पहली बार इस एक्ट का हमने यूज किया था बॉम्बे में, जिसको आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। बॉम्बे में प्लेग फैला था 1897 में, तो रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, चीजों को कंट्रोल में रखने के लिए ब्रिटिशर्स ने इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था। तो इस एक्ट को इन्वोक किया गया है, और भारत में सबसे पहली स्टेट जो इस एक्ट को इन्वोक कर चुकी है, उसका नाम आप याद रखेंगे, वो है कर्नाटक। जी हाँ, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि भारत में कौन सी स्टेट ने सबसे पहले इस एक्ट को इन्वोक किया, सो दैट इज कर्नाटक। ओके, तो ये सब क्यों हो रहा है? कोरोना वायरस के चलते। आपको पता ही है, कोरोना वायरस, जिसको हमारे पास नाम दिया गया है COVID-19, WHO की तरफ से। CO स्टैंड फॉर कोरोना, VI स्टैंड फॉर वायरस, D फॉर डिसीज, और 2019 में ये हमारे पास वायरस देखने को मिला था, जो कि कोरोना फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, नेक्स्ट न्यूज भी हमारे पास स्टूडेंट कोरोना वायरस से रिलेटेड ये है कि COVID-19 को पेंडेमिक डिक्लेयर किया है WHO ने। सो व्हाट इज पेंडेमिक? पेंडेमिक का मतलब जो बहुत तेजी से स्प्रेड आउट हो रहा हो पूरे वर्ल्ड वाइड, पर्सन टू पर्सन, और जिसको कंट्रोल करना काफी डिफिकल्ट बन चुका है। आपको मैं बता दूं कि स्टूडेंट, इससे पहले 2009 में स्वाइन फ्लू को पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया था। जी हाँ, याद रखेंगे, इससे पहले किसको पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया था? स्वाइन फ्लू को। ये हमारे लिए क्वेश्चन बन जाता है। एक चीज और स्टूडेंट, कि WHO इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत हद तक काम कर रहा है, लेकिन अभी तक उसमें हमारे पास कोई ज्यादा सफलता हमें दिखाई नहीं दे रही। लेकिन WHO के बारे में एक पॉइंट याद रखेंगे, राइट नाउ उसके डायरेक्टर जनरल बहुत ज्यादा न्यूज में है। WHO के डायरेक्टर जनरल बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो उनका नाम याद रखना आपके लिए जरूरी हो जाता है, जो कि कौन है हमारे पास? नाम याद रखेंगे, टेड्रोस एडनॉम। जी हाँ, या नाम याद रखेंगे, टेड्रोस एडनॉम। और अगर हम बात करें इसके अलावा, WHO की जो डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल है वो है सौम्या स्वामीनाथन। जी हाँ, उनका नाम आप याद रखेंगे, जरूरी है, सौम्या स्वामीनाथन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। हमारे पास एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स आया है स्टूडेंट, API 2020, और इसमें इंडिया को सी ग्रेड मिला है। तो ज्यादा कोई दुख होने वाली बात नहीं है, क्योंकि किसी भी कंट्री को ए ग्रेड तो मिला ही नहीं है एनिमल प्रोटेक्शन को लेकर। तो सभी कंट्रीज एनिमल प्रोटेक्शन को लेकर थोड़ा सा लैग ही कर रही हैं, थोड़ा पीछे ही चल रही हैं। ओके, आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेकर हमने बनाई हुई है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, और हमारे पास बर्ड सेंचुरीज। आपको एक अच्छा पॉइंट जो याद रखना है कि भारत में
एरिया वाइज सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो भारत में एरिया वाइज सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क। जी हाँ, नाम याद रखेंगे, भारत में सबसे बड़ा नेशनल पार्क एरिया वाइज है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि हमारे पास यूनियन टेरिटरी लद्दाख में लाई करता है। जी हाँ, यूनियन टेरिटरी लद्दाख में लाई करता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास SBI ने अप्रूव कर दिया है कि वो 7,250 करोड़ रुपए इन्फ्यूज करेंगे येस बैंक में। जी हाँ, यहां पर SBI करने क्या जा रहा है स्टूडेंट, यहां पर SBI 7,250 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेगा और उसके थ्रू वो येस बैंक के शेयर्स को परचेज करेगा। एक्चुअली येस बैंक क्राइसिस फेस कर रहा है बहुत ज्यादा, यहां पर स्क्रैच करने के लेवल पर पहुंच गया था। और ये हमारे पास एक प्राइवेट बैंक है जो कि 2004 में राणा कपूर और अशोक कपूर द्वारा स्टार्ट किया गया था। अगर हम यहाँ पे बात करें, RBI ने इसकी पोजीशन को देखते हुए, इसके क्राइसिस को देखते हुए सारी सिस्टम को कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और प्रशांत कुमार को इसके CEO और MD के रूप में नियुक्त कर दिया। लेकिन अभी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो ये बैंक है अभी भी क्राइसिस फेस कर रहा है और आने वाले टाइम में से और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत रहेगी। तो देखते हैं RBI इसको कैसे और आगे कंट्रोल करता है, लेकिन अभी के लिए आप इसके MD और CEO का नाम याद जरूर रखेंगे, प्रशांत कुमार, मुंबई से ऑपरेट करता है। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत का पहला प्राइवेट बैंक कौन सा था जो आज भी काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट न्यूज़, देखिए स्टूडेंट, हम इंडिया का पहला लिविंग कलिनरी आर्ट म्यूजियम कहां पे ओपन हुआ है? मणिपाल कर्नाटक में। और इसको किसने ओपन किया है? वेलकम ग्रुप ग्रेजुएट स्कूल ऑफ होटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो कलिनरी, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? कलिनरी का मतलब होता है कनेक्टेड विद कुकिंग, भोजन पकाने संबंधी। तो भोजन पकाने संबंधी एक लिविंग आर्ट एंड म्यूजियम यहां पर ओपन हुआ है भारत में पहली बार। सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, फूड से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको और बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, अभी रिसेंटली कई एग्जाम से उसके बारे में क्वेश्चन आया था। देखिए, यूनेस्को जो है, यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को ने स्टूडेंट रिसेंटली क्या किया, हमारे पास भारत के एक शहर को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी डिक्लेयर किया। अब ये गैस्ट्रोनॉमी क्या होता है? गैस्ट्रोनॉमी, GASTRONOMY, गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है हमारे पास आर्ट ऑफ कुकिंग। तो भारत में किस शहर को आर्ट ऑफ कुकिंग से रिलेटेड, यानी कि सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी डिक्लेयर किया गया? सो दैट इज हैदराबाद। हैदराबाद इज इन तेलंगाना, याद रखेंगे, हैदराबाद सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को। ओके, नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। इन्फ्लुएंशियल वुमेन इन स्पोर्ट्स लिस्ट, ऐसी वुमेन जिसने स्पोर्ट्स के ऊपर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस डाला, उनकी लिस्ट आई है, तो उसमें भारत से नीता अंबानी का नाम भी सामने आया है। आप कहेंगे नीता अंबानी का रिलेशन स्पोर्ट्स से कैसे है? देखिए, नीता अंबानी हमारे पास कई सारी स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी की मालिक है, जैसे कि मुंबई इंडियंस हो गया, या फिर अगर हम ISL की बात करें, इंडियन सुपर लीग, जो फुटबॉल से रिलेटेड है, उसको भी स्टार्ट करने में हमारे पास रिलायंस फाउंडेशन का एक अहम योगदान रहा। तो इसी वजह से यहां पर इनको वर्ल्ड वाइड इन्फ्लुएंशियल वुमेन स्पोर्ट्स की लिस्ट में ऐड किया गया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं नीता अंबानी के बारे में आपको बताना चाहूंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमारे पास IOC जो कि ओलंपिक की रेगुलेटरी बॉडी है, यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC, जो कि ओलंपिक को रेगुलेट करती है, उसमें हमारे पास नीता अंबानी भारत की इकलौती महिला मेंबर है। उसके बोर्ड में हमारे पास मेंबर हैं टिल 70 ईयर ऑफ हर एज। तो ये आप याद रख सकते हैं, पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि भारत से किस महिला को IOC ने अपने यहां पे मेंबरशिप दी हुई है, तो वो है नीता अंबानी। नेक्स्ट हमारे पास, डायरेक्टर सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI, तो श्री देवशीष पांडे को यहां पर RBI ने अपने सेंट्रल बोर्ड के अंदर जगह दी है, यहां पर अपॉइंट इनको किया गया है। आप याद रखेंगे स्टूडेंट की RBI में गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर की पोजीशन सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। तो RBI के जो पहले हमारे पास गवर्नर थे वो थे सर ओसबोर्न स्मिथ, राइट नाउ शक्तिकांता दास। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि RBI के 4 में से एक डिप्टी गवर्नर की हाल ही में अभी नियुक्ति हुई है, हाल ही में अपॉइंटमेंट हुई है, तो आप उनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट हमारे पास, CMS अपॉइंटेड एक्टर रणदीप हुड्डा एज एम्बेसडर। अब ये CMS क्या है? दैट इज कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। माइग्रेटरी स्पीसीज, माइग्रेटरी का मतलब प्रवासी प्रजातियां जो प्रवास करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, हमारे पास माइग्रेट करती हैं, उनके बारे में यहां पे बात हो रही है स्टूडेंट। तो रणदीप हुड्डा को जो हमारे पास एक्वेटिक स्पीसीज दैट स्विम, उनके लिए एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। देखिए, जब भी मैं बात करता हूँ CMS की, तो एक क्वेश्चन अभी के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज की अभी एक मीटिंग हुई थी 2020 में हाल ही में हमारे पास। ये मीटिंग कहाँ हुई, जिसको नाम दिया गया था COP 13। जी हाँ, क्या नाम दिया गया था? COP 13, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 13। ये मीटिंग थी माइग्रेटरी स्पीसीज को लेकर, ये कहाँ हुई? गांधीनगर गुजरात में। जी हाँ, भारत में ही गांधीनगर गुजरात में मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। तो आप याद रखेंगे CMS COP 13 ऑर्गेनाइज एट गांधीनगर गुजरात, एंड CMS अपॉइंटेड एक्टर, बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा एज
एम्बेसडर। नेक्स्ट कौशल स्त्रंग प्रोग्राम, यहां पर देखिए स्टूडेंट कौशल यानी कि स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो यूपी गवर्नमेंट ने हमारे पास क्या किया है, एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है आम लोगों की स्किल डेवलपमेंट के लिए जिसका नाम है कौशल सतरंग। तो सीधा सीधा क्वेश्चन कि कौन सी स्टेट से रिलेटेड कौशल स्त्रंग प्रोग्राम है सतरंग, तो दैट इज उत्तर प्रदेश। आपको स्टूडेंट एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे भारत में कौशल विकास के लिए यानी स्किल डेवलपमेंट के लिए जो प्रोग्राम चलाया हुआ है, जो स्कीम चलाई हुई है, वो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। जी हाँ, याद रखेंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसका टारगेट क्या था वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट व्यू से। 1 करोड़ यूथ को ट्रेनिंग और स्किल एम्पावर करना बिटवीन 2016 to 2020, यानी कि 2016 से 2020 के बीच में 1 करोड़ यूथ को कौशल और स्किल एम्पावर करना, ये मेन लक्ष्य था हमारे पास प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी KVY, PM KVY का। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ में तेलंगाना के यंगेस्ट माउंटेनर अमोगत तुकाराम ने ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट माउंटेन को स्केल किया है। सीधा सीधा क्वेश्चन अगर आया तो वैसे चांसेस कम है, लेकिन आप एक बार पढ़ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें स्टूडेंट, तो ऑस्ट्रेलिया के राइट नाउ प्राइम मिनिस्टर कौन है, स्कॉट मॉरिसन। जी हाँ, याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया के राइट नाउ प्राइम मिनिस्टर कौन है, स्कॉट मॉरिसन। और ऑस्ट्रेलिया का जो सेंट्रल बैंक है दैट इज नोन टू बी रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो सेंट्रल बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट हमारे पास मुंबई सेंट्रल स्टेशन टू बी रीनेम्ड। यहां पर क्या बात चल रही है स्टूडेंट की, जो मुंबई का जो सेंट्रल रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदला जाएगा, उसका नाम बदल के रखा जाएगा नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। देखिए ये अपने आप में स्टूडेंट आइकॉनिक रेलवे स्टेशन है, ये वही स्टेशन है जहां से पहली बार भारत की ट्रेन चली थी, भारत के अंदर ट्रेन चली थी बॉम्बे टू थाने। ओके, सो इस स्टेशन को जो डिजाइन किया था वो हमारे पास ब्रिटिश आर्किटेक्ट क्लोड बैटले ने किया था। और भारत में पहली बार ट्रेन चली कब थी, तो ये भी आपको बता दूं मैं स्टूडेंट, 16 अप्रैल 1853, 16th of April 1853 को भारत में पहली बार ट्रेन चलाई गई थी, और जिसमें 3 इंजन्स का यूज किया गया था। 3 इंजन्स के नाम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल और इंपॉर्टेंट है। 3 इंजन्स के नाम थे हमारे पास साहिब, सिंध एंड सुल्तान। जी हाँ, इंजन्स के नाम आप याद रखेंगे, साहिब, सिंध एंड सुल्तान, ये इंजन्स के नाम थे। नेक्स्ट हमारे पास विंग्स इंडिया 2020, एक हमारे पास यहाँ पर कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस हुई है, ये हमारे पास कहाँ हुई है, बेगमपट एयरपोर्ट पे, जो कि हैदराबाद में है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन कि विंग्स इंडिया 2020 हमारे पास जो इवेंट था वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, सो दैट इज एट बेगमपट एयरपोर्ट हैदराबाद। हैदराबाद में स्टूडेंट एक और बहुत इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है जो पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जिसको लेकर, वो है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट हमारे पास मनी स्पेंट अंडर मनरेगा, मनरेगा को लेकर बात की जा रही है कि मनरेगा के अंदर 2017 से 2020 तक लगभग 1,83,000 करोड़ रुपए स्पेंड किए गए, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी अमाउंट है स्टूडेंट। एक्चुअली ये अब तक की भारत की सबसे बड़ी स्कीम है जो ऑन गोइंग है 2005 से लेकर अब तक। स्टार्टिंग में इस स्कीम का नाम नरेगा हुआ करता था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, बाद में महात्मा गांधी का नाम इसे जोड़ दिया गया। कई एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है कि ये स्कीम कब शुरू की गई, तो ये भारत के इतिहास की अब तक सबसे बड़ी स्कीम है जिसमें गारंटी दी जाती है एम्प्लॉयमेंट की एज अ अनस्किल्ड लेबर। तो 2005 से स्कीम शुरू की गई थी, और मनरेगा के लिए अभी अगर हम बात करें 2017 से 2020 तक गवर्नमेंट 1,83,000 करोड़ रुपीज खर्च कर चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास भूमि राशि पोर्टल, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने क्या बताया है कि भूमि राशि पोर्टल के होने की वजह से जो काम है हाईवेज का वो बहुत तेजी से हो रहा है। लैंड एक्विजिशन यानी भूमि अधिग्रहण जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, वो बहुत अच्छे से हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में आ गई है। आपको स्टूडेंट में बताना चाहूंगा कि भारत में हाईवेज कंस्ट्रक्शन के लिए जो एंटिटी काम करती है उसका नाम है NHAI, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जी हाँ, याद रखेंगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत में हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए काम करती है, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1995 में। इसके चेयरमैन है SS संधु। जी हाँ, याद रखेंगे इसके चेयरमैन कौन है, SS संधु। ओके, नेक्स्ट हमारे पास वर्ल्ड इज वन न्यूज, यहां पर एक इंटरनेशनल न्यूज चैनल हैज ऑर्गेनाइज्ड द 3rd edition ऑफ ग्लोबल समिट 2020, जो कि कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया, दुबई में। तो याद रखेंगे कि हमारे पास इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल न्यूज चैनल हैज ऑर्गेनाइज्ड 3rd edition ऑफ ग्लोबल समिट 2020, जो कि कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, दुबई में। ओके, दुबई की अगर हम बात करें स्टूडेंट, दुबई को एक बात याद रखना, शॉपिंग कैपिटल ऑफ मिडल ईस्ट कहा जाता है। यहाँ पे बहुत से लोग शॉपिंग करते हैं, लेकिन अभी तो कोरोना वायरस के चलते सब कुछ बंद है, लेकिन इसको हमारे पास कहा जाता है शॉपिंग कैपिटल ऑफ मिडल ईस्ट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास
प्रशांत कुमार अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ यस बैंक, ये अर्लियर हम डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट न्यूज यस बैंक को लेकर, और यहां पर हम बात कर चुके हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 49% स्टेक लगभग खरीदेगा स्टेट बैंक ऑफ यस बैंक के अंदर, सॉरी, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंसेक्ट स्पीसीज नेम्ड आफ्टर लेडी गागा। लेडी गागा जो कि यूएस की एक जानी मानी सिंगर है, अमेरिकन सिंगर है, उनके नाम पर एक नए इंसेक्ट का नाम हमारे पास रखा गया, ट्री होपर का नाम रखा गया है, दैट इज काईकाई गागा। तो ये सिंपल सी न्यूज है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन, रणजी ट्रॉफी हमारे पास 2019-20 टाइटल हमारे पास जीत लिया है। जीता किसने है हमारे पास? सौराष्ट्र। ठीक है, सौराष्ट्र ने पहली बार हमारे पास रणजी ट्रॉफी टाइटल जीता है। रणजी की बात करें स्टूडेंट, घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है जो 1934 से चलता आ रहा है। जी हाँ, याद रखेंगे 1934 से भारत में रणजी टूर्नामेंट खेला जा रहा है, जिसमें 37 टीम्स प्ले करती है। कितनी टीम्स प्ले करती है? 37। जो फाइनल मैच था वो राजकोट हमारे पास गुजरात में खेला गया और सौराष्ट्र टीम ने हमारे पास ये मैच जीत लिया है। फाइनल मैच जो हमारे पास रहा, यानी कि टाइटल इस बार सौराष्ट्र ने जीता है। मैक्सिमम टाइम्स हमारे पास रणजी का जो टाइटल है वो किसने जीता है? मुंबई ने, और मुंबई के ही वसीम जाफर रणजी में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे, रणजी में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किसका है? तो वो है वसीम जाफर का। नेक्स्ट पाई डे, पाई यानी कि 22/7 आप जानते होंगे इसको, 3.14 के अगर हम बात करें, 3.14 की तरह भी हम इसे डिनोट करते हैं। तो हमारे पास आप याद रखेंगे कि 14 मार्च को हमने ऑब्जर्व किया पाई डे, और इसी दिन स्टूडेंट अल्बर्ट आइंस्टाइन का बर्थडे भी होता है। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि पाई डे कब होता है, सो दैट इज ऑन 14th of March। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और बताना चाहूंगा कि पाई को स्टूडेंट हम आर्किमिडीज कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं। तो आर्किमिडीज कॉन्स्टेंट अगर कभी लिखा जाए तो आर्किमिडीज कॉन्स्टेंट का मतलब ही वही होता है, दैट इज पाई। नेक्स्ट हमारे पास एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1995, गवर्नमेंट ने क्या किया है, चेंजेस किए हैं कुछ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर, और क्या डिक्लेयर किया है कि जो सर्जिकल मास्क है हमारे पास, मास्क N95 और हैंड सैनिटाइजर, उनके बारे में कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं उनके प्राइसेस को लेकर। देखिए स्टूडेंट, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में हमारे पास वो एसेंशियल चीज़ें हम रखते हैं जिनकी डेली रिक्वायरमेंट रहती है और जिनके बिना एक आम आदमी का गुजारा नहीं हो सकता। तो इनके प्राइसेस को गवर्नमेंट कंट्रोल और रेगुलेट करती है। इनकी प्रोडक्शन कम या ज़्यादा करने के लिए गवर्नमेंट प्राइवेट एंटिटीज़ के ऊपर दबाव भी बना सकती है। तो आपने याद रखना है कि अभी रिसेंटली कौन सी दो एंटिटीज़ को हमने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर एड ऑन किया है, तो वो है सर्जिकल मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर्स। नेक्स्ट हमारे पास फूल डे फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, हमारे पास फूल डे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है, कहाँ पर? उत्तराखंड में। और ये हमारे पास फेस्टिवल खुद हमारे पास इनोग्रेट किया सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने। तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फूल डे फेस्टिवल कहाँ पे ऑब्जर्व किया गया, सो दैट इज इन उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में एक अच्छा क्वेश्चन, उत्तराखंड ने रिसेंटली अपनी समर कैपिटल यहाँ पर डिक्लेयर की है गैरसैंण। जी हाँ, याद रखेंगे उत्तराखंड ने भी रिसेंटली अपनी समर कैपिटल डिक्लेयर की है गैरसैंण, और विंटर कैपिटल यहाँ पर आपको पता ही होगा देहरादून, विंटर कैपिटल है देहरादून। आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि इस समय हमारे पास गवर्नर कौन है उत्तराखंड के, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ उत्तराखंड। नेक्स्ट हमारे पास आरबीआई रिवाइजेस एक्सपोजर लिमिट फॉर यूसीबी, यूसीबी यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की एक्सपोजर लिमिट को रिवाइज किया है, टायर वन कैपिटल टू द सिंगल बोरोवर ऑफ 15% रहेगी और हमारे पास ग्रुप्स के लिए रहेगी 25%। आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना स्टूडेंट कि आरबीआई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को एक ऑप्शन दिया है राइट नाउ कि दे कैन कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक। जी हाँ, याद रखेंगे कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स अपने आप को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। पेपर में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि आरबीआई ने किस टाइप के बैंकों को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करने के लिए गाइडलाइंस इशू की हैं, सो दैट इज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक। और भारत का जो पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक था वो था कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसने अपनी सर्विसेज स्टार्ट की थी पंजाब से। ओके, नेक्स्ट हमारे पास चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो यहां पर जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस बंसीलाल भट्ट को अपॉइंट किया गया है अगले 3 महीनों के लिए। तो सीधा सीधा क्वेश्चन अगर पेपर में आपसे पूछा गया। ओके, नेक्स्ट पीएम मोदी प्रपोज्ड COVID-19 इमरजेंसी फंड। जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सार्क नेशंस के लिए एक COVID-19 इमरजेंसी फंड बनाने की बात की है, जिसमें इंडिया ऑलरेडी 10 मिलियन अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर चुका है। इस फंड में हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, सभी जो सार्क मेंबर कंट्रीज है, पहले तो सार्क के बारे में आपको बता दूं, दैट इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसमें हमारे पास टोटल 8 मेंबर कंट्रीज आती हैं। ये ग्रुप 1985 में एस्टेब्लिश हुआ था, इसका सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू नेपाल में। तो
यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने 10 मिलियन डॉलर कंट्रीब्यूट किए हैं और आशा की है कि सभी कंट्रीज कंट्रीब्यूशन देंगी और उससे जो फंड हमारे पास बनेगा उससे इस रीजन में हमारे पास साउथ एशियन रीजन में हम कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए उस फंड का यूटिलाइज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फ्लिपकार्ट ने एग्योन लाइफ इंश्योरेंस के साथ टाई अप किया है और यहाँ पर क्या कहा है कि हमारे पास ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे अप टू ₹10 लाख। ओके सो किस हमारे पास आपसे पहला तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि फ्लिपकार्ट ने कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप किया है, सो दैट इज एगोन लाइफ इंश्योरेंस। तो ये अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज को सेल आउट करने का काम भी करेंगे। फ्लिपकार्ट की बात करें स्टूडेंट, तो फ्लिपकार्ट के बारे में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहली बात तो इसमें मेजोरिटी शेयर होल्डर है वॉलमार्ट जो कि यूएसए की कंपनी है। तो फ्लिपकार्ट राइट नाउ इट्स जस्ट लाइक अ सब्सिडरी ऑफ वॉलमार्ट और इसके करंट सीईओ कौन है, कल्याण कृष्णमूर्ति। जी हाँ, याद रखेंगे फ्लिपकार्ट के करंट सीईओ कौन है, कल्याण कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट 39 जीएसटी काउंसिल की 39th मीटिंग हुई और इसमें क्या किया गया है, इसमें हमारे पास मोबाइल फोन्स के पार्ट्स के ऊपर जीएसटी बढ़ाकर 18% कर दिया गया है जो कि पहले 12% हुआ करता था। इसके साथ साथ हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर कि जीएसटी काउंसिल ने नो योर सप्लायर नाम से एक स्कीम भी शुरू की है, KYS मीन्स नो योर सप्लायर। तो आपने याद रखना है कि नो योर सप्लायर का जो कंसेप्ट है वो किसने स्टार्ट किया, जीएसटी काउंसिल। अभी जीएसटी काउंसिल है क्या, जीएसटी काउंसिल स्टूडेंट वो ग्रुप है जो ये डिसाइड करता है किस प्रोडक्ट के ऊपर कितना जीएसटी लगेगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, या आप जानते होंगे फुल फॉर्म जीएसटी की गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो भारत में किस प्रोडक्ट के ऊपर कितना जीएसटी लगेगा, दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय, हाँ जी, कौन डिसाइड करता है, जीएसटी काउंसिल। आपको एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताना चाहूंगा कि जीएसटी काउंसिल के हमेशा जो बाय डिफॉल्ट जो हेड रहते हैं वो कौन रहते हैं, वो रहते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि राइट नाउ है निर्मला सीतारमन। तो अगर पेपर में कभी आपसे पूछ लिया जाए कि हु इज द करंट हेड ऑफ जीएसटी काउंसिल, तो आपका आंसर क्या रहेगा, निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट हमारे पास चमेली देवी जैन अवार्ड। देखिए चमेली देवी के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट, ये हमारे पास फ्रीडम फाइटर थी जिनके नाम पर 1981 में चमेली देवी जैन अवार्ड दिया जाता है फीमेल जर्नलिस्ट को, और इस बार का जो अवार्ड है वो किसको दिया गया है, आरफा शेरवानी को, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है न्यूज वेबसाइट द वायर में। ये द वायर काफ़ी कंट्रोवर्शियल हमारे पास रहती है, इसमें काफ़ी कंट्रोवर्शियल न्यूज़ वगैरह आती रहती हैं जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हमारे पास बहस चलती रहती है। तो उसमें हमारे पास ये एडिटर हैं, न्यूज़ एडिटर हैं, सीनियर एडिटर हैं आरफा शेरवानी। तो इनको चमेली देवी जैन अवार्ड इस बार दिया गया है 2019 का। ये बेसिकली उन वुमेन्स को दिया जाता है जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग काम करती हैं मीडिया में। नेक्स्ट हमारे पास बुक आई है, बुक का नाम है एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ, और ये बुक किसके ऊपर है, अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर। सो एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ, अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर, जो कि भारत के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थे। जी हाँ, उनके ऊपर एक बुक लिखी है, किसने लिखी है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं सदगुरु पाटिल और इनके साथ नवंगरकर। ओके, एक छोटा सा पॉइंट आपको बताना चाहूंगा मनोहर पारिकर के बारे में, गोवा के फॉर्मर सीएम भी थे ये स्टूडेंट। भारत के पहले आईआईटीएन चीफ मिनिस्टर मनोहर पारिकर जी थे। जी हाँ, इन्होंने 1978 में आईआईटी बॉम्बे से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में हमारे पास बीटेक की थी और उसके बाद आगे चलकर ये भारत के पहले आईआईटीएन एमएलए बने और फिर चीफ मिनिस्टर भी बने। तो गोवा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे। तो इनके ऊपर इनकी जो बुक है वो आई है एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ, अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर। नेक्स्ट वर्ल्ड कंज्यूमर डे 15 मार्च को ऑब्जर्व किया गया और इसकी थीम रही था सस्टेनेबल कंज्यूमर। आप याद रखेंगे स्टूडेंट कि नेशनल कंज्यूमर राइट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, नेशनल कंज्यूमर राइट डे ऑब्जर्व किया जाता है 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इंडिया टू बिल्ड 3 स्कूल्स इन नेपाल। इंडिया नेपाल में 3 नए स्कूल्स बनाने जा रहा है। ओके, इसके लिए हमारे पास 107 मिलियन नेपाली रुपीज इंडिया देगा नेपाल को। एक्चुअली स्टूडेंट ये हमारे पास नेबर कंट्री साथ रिलेशन और स्ट्रेंथन करने के लिए ऐसे डिसीजंस टाइम टाइम लिए जाते हैं। हमारी एक पॉलिसी भी चल रही है जिसको हम बोलते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी। जी हाँ, याद रखेंगे लुक ईस्ट पॉलिसी। अगर पेपर में कहीं आपको ये वर्ड दिखाई दे जाए कि लुक ईस्ट पॉलिसी है क्या, तो आपने याद रखना है कि लुक ईस्ट पॉलिसी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है अपने नेबर कंट्री साथ जो ईस्ट में लाई करते हैं उनके साथ रिलेशन को स्ट्रेंथन करना, स्पेशली एशियान कंट्रीज के साथ, और इसको हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी बोल देते हैं। तो याद रखेंगे एक्ट ईस्ट और लुक ईस्ट पॉलिसी इज व्हाट, टू स्ट्रेंथन द रिलेशन विद द नेबरिंग कंट्रीज, अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ संबंध और अच्छे और सुदृढ़ बनाना। नेक्स्ट हमारे पास गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि 70 लाख हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचे जाएंगे। गवर्नमेंट ने यहां पर टारगेट रखा है कि 70 लाख हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल गवर्नमेंट बेचेगी 2020 तक, बाय द एंड ऑफ
2020। जी हाँ, ये अपने आप में एक अच्छा टारगेट है, क्योंकि इससे होगा क्या, एनवायरनमेंट पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। और आपको स्टूडेंट एक स्कीम के बारे में याद रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वो कौन सी स्कीम है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए काम कर रही है, तो दैट इज फेम। फेम की फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। जी हाँ, फुल फॉर्म याद रखेंगे, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट देखते हैं, रेन ऑफ मोल्टन आयरन वास्प 76B। देखो साइंटिस्टों ने यहाँ पे स्टूडेंट क्या किया है, एक हमारे पास एक ऐसे ग्रह की खोज की, एक्सोप्लैनेट। एक्सोप्लैनेट क्या होता है स्टूडेंट, वो प्लैनेट जो हमारे पास ऐसी हैबिटेबल जोन में लाई करता है जहां पर आने वाले टाइम में एक पॉसिबिलिटी बनती है कि कोई कॉलोनी एस्टेब्लिश की जा सके, दैट इज नोन टू बी एक्सोप्लैनेट। सो यहाँ पर एक प्लैनेट, एक्सोप्लैनेट सर्च किया गया जिसका नाम है वास्प 76B। और यहाँ पर पता चला है कि लिक्विड आयरन की रेन होती है, मतलब कि जो लोहा है उसकी बारिश होती है यहाँ पर। तो ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, तो याद रखेंगे कि प्लैनेट का नाम क्या है, वास्प 76B। ओके, नेक्स्ट न्यूज इंपॉर्टेंट है, ISL ट्रॉफी। ISL यानी इंडियन सुपर लीग, जो भारत में फुटबॉल टूर्नामेंट है। भारत में फुटबॉल टूर्नामेंट में ये ATK फुटबॉल क्लब ने टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में इन्होंने चेन्नईयन FC को हरा दिया। फाइनल मैच कहाँ हुआ था हमारे पास, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गोवा में फाइनल मैच हुआ था। ISL की स्टूडेंट जब मैं बात करूँ तो याद रखेंगे ISL के बारे में, किसमें 2014 से ये इवेंट चलता आ रहा है, और ATK के चेयरमैन जिसने ये ट्रॉफी इस बार जीती है वह है संजीव गोयनका। ATK के चेयरमैन कौन है, संजीव, ATK फुटबॉल क्लब के चेयरमैन संजीव गोयनका। नेक्स्ट, झारखंड टू लॉन्च स्टार रेटिंग प्रोग्राम फॉर इंडस्ट्रीज। स्टार रेटिंग प्रोग्राम में स्टूडेंट क्या होगा कि ज़्यादा पोल्यूशन करने वाली इंडस्ट्रीज को कम स्टार दिए जाएंगे, और हमारे पास जो इंडस्ट्रीज कम पोल्यूशन करते हैं उनको मैक्सिमम स्टार रेटिंग दी जाएगी। इससे डिस्टिंग्विश करने में आसानी रहेगी कि कौन सी कंपनी फैक्ट्री ज़्यादा पोल्यूशन कर रही है या नहीं। तो इससे पहले महाराष्ट्र और उड़ीसा भी इस सिस्टम को अपने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। तो आप याद रखेंगे कि भारत में कौन से ऐसे 3 राज्य हैं जो स्टार रेटिंग प्रोग्राम यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ को उनके पोल्यूशन के बेसिस पर रेटिंग देने के लिए, तो वो हैं महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड झारखंड। आप कमेंट सेक्शन में मुझे झारखंड के CM और गवर्नर का नाम कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट हमारे पास, 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मुजीबुर रहमान। ओके, ये भी बड़ी अच्छी न्यूज है स्टूडेंट। मुजीबुर रहमान कौन है, ये स्टूडेंट वो पर्सन थे जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए एक मुहिम चलाई और बांग्लादेश को आज़ाद कराने में, पाकिस्तान से आज़ाद कराने में एक अहम भूमिका निभाई। इसीलिए इन्हें हमारे पास बंगा बंधु के नाम से भी जाना जाता है, बंगा बंधु। जी हाँ, याद रखेंगे बंगा बंधु के नाम से हम किसको जानते हैं, मुजीबुर रहमान को। और यही आगे चलकर बांग्लादेश के पहले प्रेसिडेंट भी बने। तो इनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी पार्टिसिपेट किया थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते आप जानते हैं कि किसी का भी कहीं पे जाना पॉसिबल नहीं है। ज़्यादातर चीज़ों में जो हमारे पास वर्ल्ड लीडर हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास, इंदौर किशनगढ़ फ्लाइट अंडर उड़ान। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हुआ है कि इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में और किशनगढ़ जो कि कहाँ है, अजमेर राजस्थान में, उड़ान के तहत यहाँ पर पहली बार फ्लाइट ऑर्गेनाइज की गई। अब उड़ान क्या है, उड़ान है हमारे पास उड़े देश का आम नागरिक। ये एक स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जिसमें भारत के एविएशन सेक्टर को हमने और ज़्यादा सुदृढ़ और मजबूत बनाना है। इसमें हमारे पास गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पर सब्सिडाइज रेट पे आपको फ्लाइट टिकट प्रोवाइड करती है ताकि भारत में एविएशन सेक्टर और ज़्यादा हमारे पास ग्रो कर सके। आपको मैं स्टूडेंट यहाँ बताना चाहूँगा एक क्वेश्चन जो लगातार उड़ान स्कीम को लेकर कहीं पेपर में पूछा जा चुका है। इस स्कीम के तहत हमारे पास भारत में कई सारे एयरपोर्ट बने हैं। इसमें सबसे खास एयरपोर्ट है पैक्योंग एयरपोर्ट। आप याद रखेंगे भारत में पैक्योंग एयरपोर्ट कहाँ है, PAKYONG पैक्योंग एयरपोर्ट कहाँ है, दैट इज इन सिक्किम। पैक्योंग एयरपोर्ट कहाँ है भारत में, सिक्किम में, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास, आइकॉनिक टूरिज्म साइट्स की एक लिस्ट आई है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टूडेंट, प्रहलाद पटेल कौन है हमारे पास, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, तो इन्होंने हमारे पास एक यहाँ पर जो हमारी लिस्ट है आइकॉनिक टूरिज्म साइट्स की लिस्ट को अपग्रेड किया है। अब भारत में याद रखेंगे आइकॉनिक टूरिज्म साइट्स कितनी हो गई हैं, 19। जी हाँ, आप याद रखेंगे भारत में आइकॉनिक टूरिज्म साइट्स कितनी हो गई हैं, 19। पहले कितनी थी, 17। इसमें जो दो नई साइट्स ऐड हुई हैं जो पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो है कोणार्क सन टेम्पल और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। कोणार्क सन टेम्पल की बात करूं तो स्टूडेंट आप जानती होंगे कि बहुत फेमस टेम्पल है कहां पर, ओडिशा में, भगवान सूर्य का मंदिर है जिसको हमारे पास एक और नाम से जाना जाता है, ब्लैक पगोडा।
अंग्रेज इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते थे। तो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ब्लैक पगोड़ा कहाँ है, तो दैट इज इन ओडिशा, और इसी को हमारे पास आइकॉनिक टूरिज्म साइट लिस्ट में एड ऑन किया गया है। इसके अलावा हमारे पास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को ऐड किया गया है, जो वर्ल्ड की सबसे हमारे पास अभी राइट नाउ अगर हम बात करें हाईएस्ट स्टैचू है, 182 मीटर इसकी टोटल हाइट है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है, कहाँ पर, गुजरात में। एक छोटा सा पॉइंट और स्टूडेंट, ये जो स्टैचू है स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये आपने याद रखना है कौन सी नदी के किनारे हमारे पास इसको बनाया गया है, तो हमारे पास नर्मदा नदी के किनारे इसको बनाया गया है, नर्मदा रिवर इन गुजरात। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फिलीपींस शट फाइनेंशियल मार्केट। देखिए आपको पता है कि कोरोना वायरस के चलते फाइनेंशियल मार्केट में बहुत ज़्यादा उठापटक चल रही है। आपको पता होगा कि शेयर मार्केट लगातार क्रैश कर रही है, भारत में सेंसेक्स और निफ्टी का बहुत बुरा हाल है, और अगर हम बात करें निवेशकों का बहुत पैसा डूब चुका है ऑलरेडी। तो इसके चलते यहाँ पर फिलीपींस ने हमारे पास पहली ऐसी कंट्री बनी है जिसने फाइनेंशियल मार्केट को टेम्परेरीली क्लोज कर दिया है, जब तक हमारे पास सिस्टम फिर से ठीक नहीं हो जाता। फिलीपींस की बात करें तो याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फिलीपींस इज अ मेंबर ऑफ एसियान, एसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसियान में टोटल 10 मेंबर कंट्रीज हैं, ओके याद रखेंगे, और उसमें फिलीपींस भी एक है। फिलीपींस की जो राजधानी है वो कहाँ है, मनीला। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है, मनीला। ओके, वर्ल्ड सिटी समिट, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि वर्ल्ड सिटी समिट जुलाई 5 में सिंगापुर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अभी तक ये कहना मुश्किल है कि ये समिट सही से ऑर्गेनाइज हो पाएगा या नहीं, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते ज़्यादातर समिट्स और जो हमारे पास मीटिंग्स है वर्ल्ड वाइड वो कैंसिल होती हमारे पास दिखाई दे रही है। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि ये कंटिन्यू हो पाएगा या नहीं। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास स्टूडेंट, S&P ने हमारी जो ग्रोथ रेट है उसको यहाँ पर कम कर दिया है। S&P ने क्या कहा है कि S&P यानी स्टैंडर्ड एंड पूअर, जो कि हमारे पास वर्ल्ड की जानी मानी ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, याद रखेंगे ये वर्ल्ड की जानी मानी ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट, अगर हम बात करें S&P की, तो ये एक रेटिंग एजेंसी है जस्ट लाइक मूडीज है, फिच है। तो कोरोना वायरस के चलते पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, तो ऐसा ही कुछ भारतीय इकोनॉमी में देखने को मिल रहा है, और हो सकता है कि ये जो ग्रोथ रेट इन्होंने प्रोजेक्ट की है इसको और ज्यादा कट डाउन किया जाए आने वाले टाइम में। नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और। ओके, नेक्स्ट हमारे पास न्यूज आ जाती है, सॉरी, रिकवरी टू डैमेज द पब्लिक प्रॉपर्टीज ऑर्डिनेंस। हमारे पास एक ऑर्डिनेंस आया है, किस चीज को लेकर हमारे पास ये ऑर्डिनेंस आया है स्टूडेंट, जो पब्लिक प्रॉपर्टीज को डैमेज किया जाता है उनका जो पैसा रिकवर किया जाएगा वो हमारे पास आम लोगों की प्रॉपर्टी जो इस प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं, जो वो लोग जो कन्विक्ट है उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ही पैसा वसूल किया जाएगा। ऐसा हमारे पास एक ऑर्डिनेंस पास किया है, किसने, ऐसा ऑर्डिनेंस पास किया है यूपी की सरकार ने, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। तो ये अपने आप पे एक अनोखा ऑर्डिनेंस है जिसके थ्रू जो हमारे पास कन्विक्ट है उन्हीं की प्रॉपर्टी बेचकर पैसा रिकवर किया जाएगा। इस ऑर्डिनेंस पे सिग्नेचर मिल चुके हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर, माफ कीजिएगा, यहाँ पर ऑर्डिनेंस पे सिग्नेचर मिल चुके हैं किसके, हमारे पास गवर्नर के। गवर्नर कौन है हमारे पास, अगर हम बात करें यूपी के, आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल इज द करंट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट हमारे पास व्हाट्सएप नोस्ट कोरोना वायरस इन्फॉर्मेशन हब। कोरोना वायरस को लेकर एक इन्फॉर्मेशन हब बनाया जाएगा जिसमें हमारे पास इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जाएगी वर्ल्ड वाइड। तो इस फंड को लेकर हमारे पास जो हमारे पास फेसबुक है उसने, जो ओनर है एक तरह से व्हाट्सएप की, उसने $1 मिलियन की डोनेशन दी है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पेटीएम टू इशू वर्चुअल डेबिट कार्ड। वर्चुअल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ऐसे कार्ड जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन इनके थ्रू आप पेमेंट्स कर सकते हो। तो पेटीएम पेमेंट बैंक ने ये सब स्टार्ट किया है। पेटीएम पेमेंट बैंक पेटीएम की एक सब्सिडरी है। पेटीएम की अगर हम बात करें, पेटीएम को स्टार्ट किसने किया था, तो पेटीएम को हमारे पास स्टार्ट किया था हमारे पास अगर हम बात करें पीयूष गुप्ता जी ने, सॉरी पेटीएम को स्टार्ट किया था हमारे पास विजय शेखर शर्मा जी ने, विजय शेखर शर्मा जी ने पेटीएम को स्टार्ट किया था, और पेटीएम आज की डेट में अपने आपको एक बैंक के रूप में भी कन्वर्ट कर चुका है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जस्टिस रंजन गोगोई नॉमिनेटेड टू राज्यसभा। जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया है और उसके लिए आर्टिकल यूज किया गया 80। आप याद रखेंगे कि हमारे पास राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करने की पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, और उसके लिए कौन से आर्टिकल का यूज किया जाता है, आर्टिकल 80 का। अगर हम बात करें, रंजन गोगोई इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। जी हाँ, रंजन गोगोई इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, तो अब ये रिटायर हो गए थे, तो इनको यहाँ पर नॉमिनेट कर दिया गया राज्यसभा में, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रावर्सी भी देखने को मिली, और इन्होंने रिप्लेस किया है किसको, KTS तुलसी जी को। तो याद रखेंगे कितने नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं राज्यसभा में, टोटल 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास
हेमोस्टेट मटेरियल टू स्टॉप रैपिड ब्लड लॉस. रैपिड ब्लड लॉस को, जो हमारे पास लगातार खून हमारे पास बहता रहता है, उसको रोकने के लिए हमारे पास एक मटेरियल बनाया है. किसने? इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने. तो ये हमारे पास जो इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर सिचुएटेड है, आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट कि ये इंस्टीट्यूट हमारे पास मोहाली में सिचुएटेड है, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी INST, जिसने ये हमारे पास मटेरियल बनाया है हेमोस्टेट के नाम से. और आपको ये भी बता दूं कि स्टूडेंट हमारे पास उस डिसीज का नाम, जब ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती तो दैट इज हीमोफीलिया. जब हमारे पास किसी पर्सन को कट लग जाए और ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, लगातार ब्लड का लॉस हो जाए, उस डिसीज को हम क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया. और उसी डिसीज को एक तरह से रोकने के लिए मटेरियल का यूज किया जा सकता है. नेक्स्ट हमारे पास एक बुक आई है, बुक माय एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट. आप याद रखेंगे बुक किसने लिखी है? बालाचंद्र मुंगेरकर ने. याद रखेंगे बुक किसने लिखी है? बालाचंद्र मुंगेरकर. नेक्स्ट हमारे पास DBS बैंक, DBS यानी कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, इसने यहाँ पर एक इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है इंडिया में COVID-19 को लेकर, कोरोना वायरस को लेकर. सो इसकी जो इंडियन ब्रांच है DBS यानी डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, जिसको एशिया का बेस्ट बैंक कई बार डिक्लेयर कर चुके हैं वेरियस एंटिटीज के द्वारा, और भारतीय एक्सा के साथ मिलकर इसने ये लाइफ इंश्योरेंस, सॉरी जनरल इंश्योरेंस लॉन्च किया है. ओके, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, DBS बैंक सिंगापुर का एक इंपॉर्टेंट बैंक है और इसके जो CEO हैं वो इंडियन ही हैं, वो है पीयूष गुप्ता. इसके जो CEO हैं वो इंडियन ही हैं, वो है पीयूष गुप्ता. नेक्स्ट हमारे पास ICC डेवलपमेंट एम्पायर. तो इंडिया से दो हमारे पास फीमेल्स को ICC डेवलपमेंट एम्पायर्स में अपॉइंट किया गया है, जननी नारायण एंड वृंदा राठी. तो ये ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में, जो कि कहाँ से ऑपरेट करता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है स्टूडेंट? आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि ICC का हेडक्वार्टर कहाँ है. तो इसने दो इंडियन फीमेल्स को यहाँ पर नॉमिनेट किया है अपने पैनल में. इससे पहले GS लक्ष्मी, ये पहली वुमेन रेफरी थी हमारे पास इन अ क्रिकेट, वुमेन रेफरी इंटरनेशनल मैंस के मैच में पहली मैच रेफरी हमारे पास GS लक्ष्मी बनी थी. तो ये भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट बात थी, तो ये भी आप याद रखेंगे. ओके, वर्चुअल G20 समिट. यहाँ पर स्टूडेंट क्या हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक G20 का समिट ऑर्गेनाइज किया गया, और ये समिट ऑर्गेनाइज किया सऊदी अरेबिया ने. सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं और जो वहाँ के किंग हैं, किंग सलमान, उनके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया. तो बेसिकली कॉन्फ्रेंस होगी G20 कंट्रीज के बीच में. और आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि G20 का जो अगला समिट है, 2021 का जो G20 समिट है वो कहाँ होगा? वो होगा इटली में. 2021 का जो G20 समिट है वो कहाँ होगा? इटली में. और 2022 का जो G20 समिट है वो कहाँ होगा? वो इंडिया में होगा. जी हाँ, याद रखेंगे 2022 का जो G20 समिट है वो कहाँ होगा? इंडिया में. नेक्स्ट हमारे पास डिफेंस मिनिस्टर ने अप्रूव कर दिया है कि इंडिया लाइट मशीन गन्स खरीदेगा 880 करोड़ में, जिनका नाम होगा नेगेव. नेगेव हमारे पास लाइट मशीन गन होगी. ये हमारे पास आर्मी के लिए खरीदी जा रही है, और कहाँ से खरीदी जा रही है? इसराइल से. इसराइल के बारे में एक छोटा सा पॉइंट आपको बता दूं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ स्टूडेंट, इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर है इसराइल, रशिया और USA के बाद सबसे बड़ा हमारा डिफेंस सप्लायर है राइट नाउ USA, सेकंड पे है रशिया और थर्ड पे है इसराइल. हमारा जो तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर है वो है इसराइल, नाम याद रखेंगे आप. ओके, नेक्स्ट हमारे पास कमेटी टू रिव्यू फिस्कल कंसोलिडेशन रोड मैप. देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो फिस्कल कंसोलिडेशन हमारे पास है, मतलब कि जो सेंटर का जो फंड्स मैनेजमेंट है, उसको लेकर हमारे पास रोड मैप तैयार करने के लिए कमेटी बनाई गई है. और इस कमेटी को हमारे पास लीड कौन करेंगे? NK सिंह, नंद किशोर सिंह, जो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं. तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आप ये बताइए, फिस्कल कंसोलिडेशन रोड मैप के लिए को रिव्यू करने के लिए कौन सी कमेटी बनी है? तो नंद किशोर सिंह कमेटी. फाइनेंस कमीशन की बात करें स्टूडेंट, तो पहली बार फाइनेंस कमीशन कब बना था? 1951 में. जी हाँ, याद रखेंगे 1951 में पहली बार फाइनेंस कमीशन बना था. फाइनेंस कमीशन को बनाया जाता है अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और भारत के जो पहले फाइनेंस कमीशन थे, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे, वो थे के सी नियोगी पहले चेयरमैन थे फाइनेंस कमीशन के. और यहाँ पर 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? नंद किशोर सिंह. ओके, नेक्स्ट हमारे पास कोरोना वायरस इकोनॉमिक रिस्पॉन्स टास्क फोर्स. देखिए स्टूडेंट, जो इकोनॉमी में जो उथल पुथल चल रही है कोरोना वायरस को लेकर, तो उसको, उस चैलेंज को टैकल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स बनाई है. और उस टास्क फोर्स को कौन लीड करेंगे? हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन. अब आपको सीधा सीधा पेपर में क्वेश्चन आएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इकोनॉमिक रिस्पॉन्स टास्क फोर्स बनाई है उसको लीड कौन कर रहे हैं? तो ऑप्शन में आपको प्राइम मिनिस्टर का नाम भी देखने को मिल सकता है और दूसरे मिनिस्टर्स का नाम भी देखने को मिल सकता है, लेकिन आपने याद रखना है द करेक्ट आंसर निर्मला सीतारमन. तो ये तो स्टूडेंट सभी करंट अफेयर्स, आशा करता हूँ आपको सब अच्छे समझ आया होगा. और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.